My name is Dr. Nalini Kelar. My channel name is Sociology Lecture. Today I am prepared the lecture for you, Indological Prospectives by G.S. Ghurye. Dr. Ghurye ka Indological Perspective. तो हम यहाँ पर पहले ये देखेंगे कि परिपेक्ष का अर्थ क्या होता है. परिपेक्ष का अर्थ होता है देखना. इस वीडियो में हम डॉक्टर घुरे ने भारत विद्यासागर को किस प्रकार से समझा और उसकी व्याख्या किस आधार पर की है, इस तथ्य का अध्ययन करेंगे. तो जैसा हम जानते हैं कि उपनिवेश काल से ही भारतीय समाज सभ्यता का अध्ययन आरंभ हो चुका था, किंतु डॉक्टर घुरे ने अपने दृष्टिकोण से जिस रूप में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की व्याख्या की है, वही हमारा विषय है. अब हम अपने विषय पर आते हैं. डॉक्टर घुरे का अध्ययन क्षेत्र व्यापक था. अपने अध्ययन में उन्होंने जिस पद्धति को अपनाया, उसे तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति कहा जाता है. इस पद्धति में भारतीय इतिहास तथा महाकाव्य जैसे परंपरागत स्वरूपों को आधार बनाया गया है. इसलिए घुरे के इस पद्धति को भारत विद्यासार कहा जाता है. जैसा हम जानते हैं कि डॉक्टर घुरे ने भारतीय समाज के सभी पहलुओं को अपने अध्ययन क्षेत्र में जगह दी थी. उदाहरण स्वरूप जाति, जनजाति, धर्म, नातेदारी, सौंदर्य शास्त्र, वेशभूषा, गति विज्ञान, ग्रामीण और शहरी क्षेत्र, भारतीय आदिवासी और भारतीय साधु इत्यादि. अब हमको देखना है कि डॉक्टर घुरे के द्वारा भारतीय विद्या परिवेश में का प्रयोग किस रूप में किया गया. तो सबसे पहले हम देखेंगे धर्म के संबंध में उनके क्या विचार थे. तो डॉक्टर घुरे ने अपनी पुस्तक रिलीजन ऑफ इंडियन में धर्म एवं अर्थव्यवस्था के संबंधों को विश्लेषण करने की कोशिश की है. मैक्स वेबर के द्वारा हिंदू धर्म की आलोचना करते हुए कहा गया था कि हिंदू धर्म जो है भौतिक उन्नति में बाधक है. डॉक्टर घुरे द्वारा हिंदू धर्म के बारे में सकारात्मक विचार थे. अपनी पुस्तक वैदिक इंडिया में ऋग्वेद को आधार बनाकर उन्होंने मैक्स वेबर के विचारों के विपरीत वैदिक कालीन भारतीय समाज में आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पक्ष के मध्य प्रकारात्मक संबंध किस प्रकार से विद्यमान रहे हैं, उसको स्पष्ट करने की कोशिश की है. उन्होंने स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र में राष्ट्रनायक गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव का आरंभ एवं बिपिन चंद द्वारा बंगाल में दुर्गा पूजा की स्थापना में समाज को धर्म के साथ साथ सांस्कृतिक एवं आर्थिक प्रभावों को बढ़ाने की कोशिश की गई है. साथ ही उन्होंने समाज में एकीकरण की स्थापना पर भी जोर दिया. दूसरी उनकी पुस्तक इंडियन साधु थी, जो 1953 में प्रकाशित हुई. अभी तक ऐसा माना जाता था कि साधु समाज जो है वो पूरी तरह से समाज से कटा हुआ रहता है और उसकी स्थिति मरण समान रहती है, किंतु डॉक्टर घुरे ने अपनी पुस्तक के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि संन्यास हिंदू धर्म का आधारभूत और पवित्र विद्या के पठन पाठन को संरक्षण देता है. आठवीं शताब्दी के सुधारक शंकराचार्य के समय में हिंदू समाज का मार्गदर्शन साधुओं के द्वारा किया गया.
बाहरी हमलों के समय भी साधु समाज ने जिस तरह भारत की रक्षा की है उसका दूसरा उदाहरण नहीं देखा जा सकता है। तो इस प्रकार तरह से हिंदू समाज में सन्यासी हमेशा से एक रचनात्मक शक्ति के रूप में कार्यरत रहे हैं। फिर हम देखते हैं नातेदारी के संबंध में उन्होंने भारतीय समाज की व्याख्या किस आधार पर की है। अपनी पुस्तक फैमिली एंड कीन इन इंडो यूरोपियन कल्चर तथा टू ब्राह्मणिकल इंस्टीट्यूशन में गोत्रा और चरण के महत्व को स्पष्ट करने के लिए ऋग्वेद ब्राह्मण ग्रंथ एवं पुराणों के माध्यम से अंतर विवाह और बहिर्विवाह के रूप में जाति एवं जनजाति के मध्य संबंध जाति एवं उपजाति अंतर विवाह तथा गोत्र एवं प्रबल बहिर्विवाह क्यों हैं इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। साथ ही उन्होंने अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के महत्व को भी स्पष्ट किया है। डॉक्टर घुरे ने अपनी पुस्तक के द्वारा इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि नातेदारी व्यवस्था का आधार सामाजिक व्यवस्था को अनुशासन में रखकर नियंत्रित करना है। वैसे तो हम पाते हैं कि मानव शास्त्रियों के द्वारा ही नातेदारी के संबंध में पहले व्याख्या की गई है। डॉक्टर रिवर्स के अनुसार जो संबंध वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित होते हैं उन्हें नातेदारी कहा जाता है। डॉक्टर घुरे ने अपने अध्ययन के आधार पर इस बात को स्पष्ट किया कि सामाजिक संस्थाओं को नियंत्रण करने में किस तरह से विवाह में निषेध और किस विभाग की स्वीकृति है इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है। देखेंगे जाति प्रथा के संबंध में घूरिए के क्या विचार थे। तो डॉक्टर घूरिए ने अपनी पुस्तक कास्ट एंड रेस इन इंडिया जो 1932 में कैम्ब्रिज में प्रकाशित हुई थी, इस पुस्तक में डॉक्टर रिजले के प्रजातिवाद की आलोचना की थी। डॉक्टर रिजले प्रजातिवाद के स्तंभ थे। रिजले का मत था कि जाति का उद्भव प्रजाति से हुआ होगा क्योंकि विभिन्न जाति समूह किसी विशिष्ट प्रजाति से संबंधित हैं। रिजले लिखते हैं कि उच्च जातियां आर्य प्रजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं, जबकि निम्न जातियां अनार्य प्रजातियों का प्रतिनिधित्व जैसे कि मंगोल और दबिड़ आदि से मिलती हैं। रिजले का मत है कि निम्न जातियां ही भारत की मूल जातियां हैं, आर्य भारत में बाहर से आए और बस गए। आगे डॉक्टर रिजले ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि वो रिजले के कुछ सिद्धांत से सहमत हैं क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन होना आवश्यक है। घुरे के अनुसार समाज शास्त्र स्थिर नहीं है, ये प्राचीन भारत से निकलता है और मध्यकालीन भारत से गुजरता हुआ आधुनिक भारत तक पहुंचता है। घुरे के अनुसार किसी भी संस्था का अध्ययन तीन चीजों के आधार पर ही निर्धारित किया जाना चाहिए। नंबर 1 संक्रमण, दूसरा प्रत्यारोपण और तीसरा परिवर्तन। तो डॉक्टर घुरे ने महाभारत और ऋग्वेद के अध्ययन करने के उपरांत ये पाया कि ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग किया गया है जिसे रंग से संबंधित माना गया है। इसी तरह से महाभारत के शांति पर्व में भृगु और भरद्वाज का संवाद आता है जो इस बात का दावा करता है कि जातियों का रंग जो था उनके विभेदीकरण का कारण था।
किंतु वो कहते हैं कि रीजले के सिद्धांत को यदि मान भी लिया जाए तो ये उत्तर भारत में केवल सही हो सकता है, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था में रुधिर की शुद्धता तथा अंतर्विवाह को स्वीकार किया गया है, किंतु अन्य क्षेत्रों में उपजातियों में विवाह होते रहे हैं। दक्षिण में नबुंदरी ब्राह्मणों ने निम्न जातियों की कन्याओं से विवाह किया, ऐसे उदाहरण मिलते हैं। अपने अध्ययन के आधार पर डॉक्टर घुरने ने जाति के 6 विशेषताओं का वर्णन किया है। नंबर 1, समाज का संगठनात्मक विभाजन। दूसरा, संस्त्रीकरण। तीसरा, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। चौथा, नागरिक एवं सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध। पांचवा, निश्चित व्यवसाय। छठवा, विवाह संबंधी प्रतिबंध। इस तरह डॉक्टर घुरने ने अपनी पुस्तक कास्ट रेज इन इंडिया इसके 3 संस्मरण लिखे और प्रत्येक के समय एवं परिवर्तन को स्पष्ट किया है। ऋग्वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथों को आधार बनाकर अध्ययन की व्याख्या की गई है। उन्होंने मनुस्मृति को ही केवल जाति प्रथा का आधार नहीं बनाया। अब हम देखेंगे भारत में जनजातियों का अध्ययन। डॉक्टर घुरने ने अपने अध्ययन में भारतीय विद्यासागर के अंतर्गत भारतीय जनजातियों के शोधकार को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ट्राइबल सोसाइटी अपनी पुस्तक में उन्होंने भारत की जनजातियों के ऐतिहासिक, प्रशासकीय, न्यायिक एवं सामाजिक आयामों का वर्णन किया है। डॉक्टर घुरने के अनुसार भारतीय समाज की आबादी का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जनजाति समाज है। घुरने ने पाया कि मानव शास्त्री और ब्रिटिश प्रशासक आदिवासियों के लिए अलगाववादी नीति अपनाना चाहते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा, किसी भी कीमत में आदिवासियों को अलग पहचान कायम ना की जाए। उनका मत था कि जनजातियों की आर्थिक सामाजिक स्थिति पिछड़े हुए हिंदुओं के जैसी है। यदि जनजातियों को हिंदू समाज में पूरी तरीके से एकीकृत कर न होना है, अपनी पुस्तक तथाकथित आदिवासी और उनके भविष्य में उन्होंने आदिवासी समस्याओं को उनके ऐतिहासिक संदर्भ में समझाने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा है कि आदिवासी समाज की समस्या का हल मात्र केवल हिंदू समाज के साथ आत्मसात होना है। डॉक्टर घुरने का मत था, डॉक्टर एल्विन के विरोधी थे। एल्विन उपनिवेशिक प्रशासक के रूप में जनजाति संबंधी नीति के नियुक्त अफसर थे। उनका मत था कि यदि जनजातियों को सभ्य समाज के साथ मिला दिया गया, तब ऐसी स्थिति में उनकी संस्कृति लुप्त हो जाएगी। अब हम देखते हैं शहरीकरण के संबंध में। डॉक्टर घुरने ने ग्रामीण शहरीकरण की प्रक्रिया में विशेष दिलचस्पी ली थी। उनका मत था कि भारत में शहरीकरण औद्योगिकरण विकास का परिणाम नहीं है। भारत में 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक शहरीकरण की प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्रों में आरंभ हो गई थी। इसलिए उन्होंने भारतीय ग्रंथों का आधार पर कालिदास, भवभूति के साहित्य कौटिल के अर्थशास्त्र का अध्ययन किया और उस आधार पर अपने विचारों को स्पष्ट करने की कोशिश की है। उनका मत था कि कृषि में अधिक पैदावार होने के कारण बाजार विस्तार एवं विनिमय आवश्यकता हुई। इस आवश्यकता को पूरी करने के लिए गांव के किसी क्षेत्र को मंडी का में बदल दिया गया। इन बाजारों में कालांतर में विभिन्न क्षेत्रों को भी आना जाना आरंभ हो गया। फलस्वरूप इन क्षेत्रों में कस्बों का निर्माण हो गया और धीरे धीरे प्रशासकीय, न्यायिक एवं अन्य संस्थाएं भी वहां पर
बन गए। इन कस्बों के निर्माण में सामंतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अतीत में इन मंडियों में विभिन्न स्थानों से रेशमी कपड़े, हथियार, आभूषण, शिल्प सामग्री की मांग भी होने लगी। इस तरह वाराणसी, कांजीपुरम, जयपुर, मुरादाबाद जैसे शहर मंडियों के केंद्र बन गए। इस तरह डॉक्टर घुरे ने अपने मत के द्वारा स्पष्ट किया है कि शहरीकरण का आरंभ भारत में स्थानीय आवश्यकता के परिणाम स्वरूप हुआ। जैसा कि ब्रिटिश का मानना है कि भारत में शहरीकरण का आरंभ औद्योगीकरण से हुआ, ये मानने को डॉक्टर घुरे तैयार नहीं है। उन्होंने मैनफोर्ट के स्पष्ट को मानते हुए लिखा है कि मौर्यकालीन में पाटलिपुत्र एक मेट्रोपोलिटन शहर के रूप में स्थापित था। अब यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए।